स्वागत है आप सभी का क्रिकेट न्यूज पर। आईपीएल 2021 लीग स्टेज का समापन हो गया है और वक्त अब हो चला है प्लेऑफ्स का। चार टीमें हमारी मिल चुकी हैं हमें इस साल की, और आज बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। सबसे मजबूत टीम रही है लीग स्टेज की, इस बात को नकारना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब सीजन की शुरुआत हुई थी तब दिल्ली के सामने एक बड़ी चुनौती थी। कप्तान श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए थे और उनकी गैर मौजूदगी में टीम की कमान कौन संभालेगा ये सवाल था। चूंकि पिछले साल फाइनल में जगह बनाई थी तो फैंस की भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी फ्रेंचाइजी से इस साल। किसी ने शिखर धवन का नाम लिया, किसी ने रविचंद्रन अश्विन का नाम लिया, कोई स्टीव स्मिथ को कप्तान बनते देख रहा था, अजिंक्य रहाणे थे वहां पर, और किसी ने पृथ्वी शॉ का भी नाम लिया होगा। क्योंकि देखिए, ना केवल भारतीय टीम को अंडर 19 विश्व कप जिताया उन्होंने, उस समय मुंबई को विजय हजारे ट्रॉफी भी जिताई थी बतौर कप्तान, और बल्ले के साथ बेहतरीन फॉर्म में थे। लेकिन दिल्ली ने उस खिलाड़ी को चुना जिसने श्रेयस अय्यर की तरह ही पिछले 3-4 सीजन्स में एक युवा सितारे के रूप में दिल्ली के साथ कहानी लिखी थी आईपीएल में अपनी, और एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 2021 की शुरुआत से क्रिकेट की दुनिया को हिला के रख दिया था, ऋषभ पंत। तो ये कहानी तो दिलचस्प होनी थी। किसी भी मजबूत T20 टीम के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उसके जो दो ओपनर हैं जिन्हें सबसे ज्यादा गेंद खेलने का मौका मिलता है वो रनों की नींव तैयार करें। शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने दिल्ली के लिए कारनामा इस सीजन पहले मैच से करना शुरू किया। आप शिखर धवन का सीजन देखें, 500 से ज्यादा रन बनाए एक बार फिर से उन्होंने आईपीएल में। पृथ्वी शॉ, उन्होंने 350 से ज्यादा रन बनाए हैं और 160 से ऊपर की स्ट्राइक रेट रही है। इवन लुइस के बाद सबसे ज्यादा तेजी से बतौर ओपनर उन्होंने ही रन बनाए हैं इस सीजन। मिडिल ऑर्डर पर अगर हम नजर डालें, ऋषभ पंत बतौर कप्तान रन भी बना रहे हैं, 350 से ज्यादा रन उन्होंने भी बनाए हैं। शिमरॉन हेटमायर ने चेन्नई के खिलाफ जो मैच हुआ उसमें जीत का दामोदर अपने कंधों पर लिया। एक खास बात दिल्ली के लिए यह भी हुई कि जब भारत में सीजन स्थगित हुआ उसके बाद जब यूएई में मैचों की शुरुआत हुई तो श्रेयस अय्यर टीम में वापस आए, बतौर कप्तान नहीं बतौर बल्लेबाज, और एक बार फिर से विश्व को याद दिलाया कि आप भूले नहीं, मैं इधर ही हूं, कहीं नहीं गया हूं। बल्लेबाजी आप देखेंगे दिल्ली की काफी नीचे तक जाती है, क्योंकि अक्षर पटेल रविचंद्रन अश्विन बतौर गेंदबाजी नहीं बतौर बल्लेबाज भी मैच जिताने की प्रतिभा रखते हैं। पिछले साल यूएई में जब आईपीएल हुआ था तो दिल्ली के दो तेज गेंदबाज हैंड्रिक नॉर्किया और खगिसो रबाडा बहुत सफल रहे थे टीम के लिए। इस साल भी वो दोनों टीम में है, लेकिन उनसे ज्यादा सफल एक तीसरा तेज गेंदबाज रहा है। आप सोचे, आपके पास विश्व के दो सबसे खूंखार तेज गेंदबाज हैं और एक तीसरा युवा भारतीय गेंदबाज है जो आपको उनसे ज्यादा विकेट निकाल के देता है। आवेश खान इस सीजन दिल्ली के लिए एक तोहफे से कम नहीं रहे हैं, और जब जब उन्हें ओवर कराने के लिए लाया गया है तब तब उन्होंने विकेट निकाल के दिए हैं। बढ़िया प्रयोग भी किया है कप्तान ऋषभ पंत और दिल्ली का जो मैनेजमेंट है उन्होंने इस खिलाड़ी का। और केवल तेज गेंदबाजी नहीं, स्पिन में आप नजर डाल लें, अक्षर पटेल का यूएई लेग बहुत बढ़िया रहा है अभी तक। रविचंद्रन अश्विन की तारीफ में तो जितने शब्द कहेंगे कम ही होंगे, अपने स्पेल के दम पे मैच का रुख पलट सकते हैं। और इसीलिए दिल्ली की गेंदबाजी इस सीजन ऐसी रही है कि कप्तान ऋषभ पंत जब भी किसी दुविधा में हो, मैदान में किसी भी ओर देख लें, उन्हें अपनी दुविधा का जवाब मिल जाएगा। 2019 में दूसरा क्वालिफायर, 2020 में फाइनल, क्या 2021 में दिल्ली वो आखिरी पड़ाव पार कर पाएगी? इस सवाल को एक तथ्य के साथ देखा जा सकता है, शायद आपको जवाब भी मिल जाए। पिछले 14 सालों में आईपीएल की कहानी दो सफल फ्रेंचाइजियों के इर्द गिर्द रही है, जो दो सबसे ज्यादा सफल फ्रेंचाइजी रही हैं इस लीग की, जिनके बीच 8 खिताब है, मुंबई और चेन्नई। ऐसा पहली बार हुआ कि दिल्ली ने अपने इतिहास में इन दोनों टीमों को लीग स्टेज में दोनों मैचों में हराया। इस सीजन दिल्ली ने यह कारनामा किया है, तो शायद आखिरकार कैपिटल्स ये कह सकते हैं कि दिल्ली दूर नहीं।